Hello, good morning, India. Live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में. Hello everyone, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आपका इंडिया के number one channel Wi-Fi Study में. This is part of an academy, जो an academy का हिस्सा है. शुरू करते हैं दोस्तों CDS का हमारा बेहतरीन session, जहाँ पे हम previous year के questions को discuss कर रहे हैं. Exam आपका नजदीक है, उससे पहले हम जो है जोड़ लगा रखा हम सब ने, ठीक है. चलो बच्चों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करना शुरू करते हैं जी, है ना. तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है. डिस्कस करना शुरू करेंगे जी. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, उसमें आंसर करेंगे सारे के सारे. हाँ जी, वेरी गुड. हाँ जी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया सर. हाँ, पढ़ा देंगे बेटा, पढ़ा देंगे. हाँ जी, लंच वन सब हो गया, पढ़ाई का काम शुरू करो. बढ़िया, ठंड बढ़ गई आज तो हमारे शहर में. तो हमारे शहर जयपुर में तो ठंड का माहौल है, बहुत खतरनाक वाला. सर्दी सी बारिश वारिश का सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, और ठंड लग रही है भयंकर. वेरी गुड आफ्टरनून. चलो, आंसर कर दिया है बच्चों ने. जानवी ने बोला है, चंद्रा रॉय बोल रहे हैं, पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन. बिल्कुल सही आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर दिया है ज्यादातर बच्चों ने, एकदम सही आंसर दिया. ए में गलती है, पुट यू नहीं, पुट यू कुछ नहीं होता, पुट योर सेल्फ, अपने आप को डालो साहब, है ना. मतलब एक्शन करने वाला कौन है, यू ही है. इस यू को हिडन कर दिया, यू पुट योर सेल्फ, एक सेंटेंस ये है आपका, यू पुट योर सेल्फ, ये कहना चाह रहा है. लेकिन बेसिकली कई बार सेंटेंस को हम वर्ब से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो इन्होंने वर्ब से स्टार्ट किया, ये वर्ब है, और यहां पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ की नीडेड है. पुट यू, यू पुट यू, यू पुट यू. अच्छा तुम बताओ भाई, यू पुट यू, यू पुट यू लिखे या यू पुट योर सेल्फ लिखें, बताओ सारे के सारे क्या लिखेंगे. यू पुट यू लिखें या यू पुट योर सेल्फ लिखें, बताओ क्या लिखेंगे. यू पुट योर सेल्फ ही लिखेंगे ना, तो हमें योर सेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा. ये पुट यू का प्रयोग जो है पूरी तरीके से गलत है, ठीक है. हाँ जी, यस, पुट योर सेल्फ इज द करेक्ट आंसर. तो ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, पुट योर सेल्फ, ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है. हाँ जी, वेरी नाइस. हमारे पास के एरिया से, चलो वहां, कहां से हो बेटा, कहां से हो, कहां से हो बेटा जानवी, जयपुर के आसपास से हो गया तुम भी, चलो बढ़िया, ठंड बढ़ चुकी है अपने एरिया में. बनवाएंगे वाईफाई स्टडी के जैकेट्स, बनवाएंगे अगली बार से वाईफाई स्टडी के जैकेट्स तैयार हो जाएंगे. हाँ जी, चलो. योर एसोसिएशन इज डूइंग गुड वर्क एंड वी वुड लाइक टू हेल्प इट इन मीनिंगफुल वे. हाँ जी, इन डूइंग गुड
good work, in doing good work. Very nice. Chalo. B. Bada minor sa error hai. Bada chota sa. Bada minor sa. Bahut minor sa error hai. Bahut. Matlab thoda sa dhyan dene ki zarurat hai aapko. Hai na? Thoda sa dhyan dene ki zarurat hai. Sentence aap sahi kar doge. Chalo. Aagya bhai aagya. Just answer chahiye tha mere ko aagya. Ek bachche ne sahi answer kar diya. Chota sa error hai. Minor sa. Haan ji. Aagya. De diya hai. सही आंसर देने वाला जो जो बच्ची है उसका नाम है पार्वती सिंह. पार्वती सिंह ने सही आंसर दिया. हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया इस बच्ची ने. इन अ मीनिंगफुल वे करेंगे. हाँ जी इन अ मीनिंगफुल वे है ना. इन अ मीनिंगफुल वे. इन अ मीनिंगफुल वे करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा. इन अ मीनिंगफुल वे. ठीक है तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा. ठीक है. वेरी नाइस. बिल्कुल सही आंसर दिया जी है ना. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी. बेहतरीन शाबाश. बहुत बढ़िया. आज तो कमाल कर रहे हो. सारे के सारे सही आंसर दे रहे हो. हाँ लेकिन ध्यान रखो कि सारे सही आंसर तो दे रहे हो लेकिन कुछ बच्चे पास में पहुंच तो जा रहे हैं लेकिन एरर सही नहीं बता पा रहे. कुछ लोग ये तो बता रहे हैं कि सर यहाँ पे एरर है लेकिन परफेक्ट एरर नहीं बता पा रहे. ये समस्या आ रही है. इन अ मीनिंगफुल वे करेंगे. वेरी गुड है ना. चलो जी. हाँ जी आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है. वेरी गुड. यू आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड. यू आस्क्ड मी इफ आई नो. गुड इफ आई न्यू. चलो जी सेंटेंस को देखते ही सेंटेंस को देखते ही बहुत सारे बच्चों ने पहली बार देखते ही सब लोगों ने फटाफट से सही आंसर कर दिया जी है ना. एक नजर में एकदम सही आंसर कर दिया. हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है. इफ आई न्यू देखो पास्ट का सेंटेंस है पूरा. ही आस्क्ड मी. ठीक है. ही आस्क्ड मी. ही सॉरी है ना. ही आस्क्ड मी है ना. ही आस्क्ड मी. तो ही आस्क्ड मी आपके पास्ट में चला गया. ठीक है. अगर आप आगे वाले पार्ट इफ यहां पे कंजंक्शन है आई आपके न्यू करेंगे पास्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे. इफ आई न्यू. न्यू का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही होगा. ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड. हाँ जी परफेक्ट आंसर है. ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड. बहुत बढ़िया. बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया है जी. आगे बढ़ेंगे जी. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. वेरी नाइस. हाँ जी बहुत बढ़िया. आंसर करेंगे अगला क्वेश्चन. फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश फॉर लंच. फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश फॉर लंच. बच्चा पेयर में यूज हम करते हैं इसको. या आर का प्रयोग क्यों कर रहे हो. इसका प्रयोग आना चाहिए ना. ठीक है. हाँ दे मोनू चार. शाबाश मोनू. बहुत बढ़िया. जो सही आंसर दिया है वो मोनू ने दे दिया है. दे मेक अ यूनिट है ना. मोनू ने सही आंसर किया है. मोनू चरण ने सही आंसर किया है. ये ध्यान रखो भाई आपके फिश एंड चिप्स हो गया. फिश एंड चिप्स. ठीक है. फिश एंड चिप्स हो गया. इसी तरीके से आपके क्राउन एंड ग्लोरी हो गया. ठीक है. इसी तरीके से आपके ब्रेड एंड बटर हो गया. ब्रेड एंड बटर हो गया. ठीक है. क्राउन एंड गोली ग्लोरी है ना. और राइस एंड करी हो गया. ठीक है. राइस एंड करी.
ठीक है, ब्रेड एंड बटर हो गया, क्राउन एंड ग्लोरी हो गया, ठीक है, हार्ट एंड सोल हो गया, हार्ट एंड हॉर्स एंड कैरिज हो गया, है ना। बेसिकली ये दोनों ये कुछ ऐसे पेयर होते हैं कंजंक्शन के साथ में, एंड कंजंक्शन के साथ में ऐसे पेयर होते हैं जो टुगेदर दे मेक अ यूनिट, है ना, एक यूनिट के रूप में यूज होते हैं, है ना, इनसेपरेबल है, एक यूनिट के रूप में यूज करते हैं हम इनको, और इसी वजह से हम इनके साथ में कैसी वर्ब का प्रयोग करते हैं, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो जो इज का प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो इज का प्रयोग पूरी तरीके से सही है, सेंटेंस में आपके नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, जो सही आंसर होगा वो नो एरर होगा। कुछ बच्चे आर का आंसर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया, ठीक है, एक यूनिट के रूप में हम यूज करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इज का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोनू, शाबाश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, गलत गलतियां हो जाती है, बच्चों से ही गलतियां होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज व्हिच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। करेंगे अजीत सिंह, कर देंगे, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस वाला कर देंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस आएगा तो कर देंगे, है ना। वन ऑफ द पेक्युलैरिटीज व्हिच डिस्टिंग्विशेस, व्हिच डिस्टिंग्विश, सी सी पार्ट में एरर है कुछ बच्चे, इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। चलो चलो जी, चलो भाई डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलो अब इधर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों एक बात इधर देखो, सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन आती है वो प्लूरल आती है, यहां पे प्लूरल नाउन का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। ये जो लिख रखा है आपके सामने पेक्युलैरिटीज, ये बेसिकली कैसी नाउन है, ये बेसिकली आपके प्लूरल नाउन है, ठीक है, कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है, ये देखो ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। अच्छा अब ये प्लूरल नाउन का प्रयोग तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। अब इस पेक्युलैरिटीज की जो वर्ब है वो आगे इन्होंने दे रखी है साहब, ठीक है, वो कौन सी वर्ब दे रखी है, इस दे रखी है, इसकी वर्ब जो है वो इस दे रखी है साहब, ठीक है, क्योंकि इस वन के अकॉर्डिंग, इस वन के हिसाब से हमने यहां पे इस का प्रयोग कर दिया। वन ऑफ के बाद में कौन से बताया था कि ये जो नाउन आता है या फिर कोई प्रोनाउन आता है ये तो आपके क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो वो सिंगुलर आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है, इस वन के अकॉर्डिंग आती है, तो आगे इस का प्रयोग किया गया वो तो सही है, लेकिन इस पेक्युलैरिटीज के ठीक आगे एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है विच, ठीक है, और इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी, इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब है जो कि यहां पे कौन सी है, डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये बेसिकली किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस पेक्युलैरिटीज के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखो भाई बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको इन्होंने सिंगुलर बना दिया, ठीक है, इसको इन्होंने सिंगुलर बना दिया और सेंटेंस को गलत कर दिया साहब, ठीक है, डिस्टिंग्विश कर दिया और ये सेंटेंस आपके पूरी तरीके से गलत हो गया। ये आपके प्लूरल आनी चाहिए, ये वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि पेक्युलैरिटी जो है वो आपके प्लूरल नाउन है, इसके ठीक बाद में रिलेटिव प्रोनाउन आया, और ये वर्ब जो बाद वाली है ये बेसिकली इसी को फॉलो करेगी, इस पेक्युलैरिटीज के अकॉर्डिंग यूज होगी, मतलब प्लूरल आएगी, डिस्टिंग्विश आएगी। सो वन के लिए आगे इन्होंने इस लगा दिया, लेकिन इस पेक्युलैरिटीज के बाद में आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन और उसके ठीक बाद में आने वाली वर्ब इस पेक्युलैरिटीज के अकॉर्डिंग आएगी। सो हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंग्विश नहीं करना है, सेंटेंस आपके सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था जी, है ना, ध्यान रखेंगे बच्चों, छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, कितनी बारीक बात है, कितनी छोटी बात है ना, कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस के अंदर, है ना,
बैंड बज जाएगी तुम्हारी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन आता है ना? हाँ, तो बच्चों ध्यान रखो, मेहनत करनी है, चीजों को समझना है, एक एक चीज को ध्यान में रखो, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, हर कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलो जी, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बहुत अच्छी बात, अगर सही किया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखना शुरू करते हैं। ये तो इजी है, आप इजीली इसको कर दोगे ना। कुछ क्वेश्चंस थोड़े इजी आ जाते हैं, कुछ थोड़े से टफ आ जाते हैं जी। इफ यू आर जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी, आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। ठीक है, हाँ इसका सही आंसर आ गया। सी वुड हैव, वुड हैव। चंद्रा रॉय मोस्ट बोल रहे हैं सर, लास्ट टाइम दो नंबर कम थे। कोई बात नहीं चिराग, इस बार यू विल क्लियर इट। ठीक है, मोस्ट को सुपरफ्लोस, सुपरफ्लोस बता रहे हैं, देखते हैं मोस्ट का प्रयोग। मेरी स्क्रीन पे अभी तक नजर नहीं आया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मोस्ट सर्टेनली में कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट सर्टेनली में कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंडीशनल का सेंटेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है इफ वाले पार्ट में, अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो जो मेन क्लॉज होता है, जो मुख्य क्लॉज होता है, इफ क्लॉज में अगर ये आ रही है तो मेन क्लॉज में मैं किसका प्रयोग करता हूं, वुड का, उसके साथ में हैव लगाता हूं और फिर उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देता हूं। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पे इन्होंने ये नहीं किया, यहां पे हमें वुड हैव करना पड़ेगा, वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प्ड यू, ये करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। वुड हैव मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलो जी, परफेक्ट आंसर किया है, एकदम सही आंसर किया है ज्यादातर बच्चों ने, ठीक है? कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में, बाकी सबका सही था ना। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर करना। द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर दोगे। चलो अगर राइट हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी खुशी की बात नहीं हो सकती मेरे लिए। आप लोग राइट कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Has been. कुछ बच्चे has been को बता रहे हैं, is going on, कुछ since बता रहे हैं, since आएगा। अरे भाई since क्यों आएगा, 3 साल, 4 3 years, 3 साल क्या है भाई, आपके 3 साल आपके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अवधि को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 तो एकदम सही है। दिक्कत ये है कि जब 4 और since का प्रयोग होता है तो टेंस आपके कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, टेंस आपके सिंपल कंटिन्यूअस नहीं होएगा, हैज बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन, आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना पड़ेगा, सिंपल कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हम। ध्यान रखो इस बात का कि भाई सिंस और फोर का प्रयोग सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं होता है, सिंपल कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years इज द करेक्ट आंसर, हैज बीन गोइंग ऑन इज फॉर 3 years इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ जी, गुड 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 गुड, शाबाश, बेहतरीन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सही आंसर है, सही समझ में आ गया बच्चों को, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ
हाँ जी करेंगे आंसर। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं ना। हाँ जी अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आंसर करना शुरू करेंगे। इट्स माय प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। चलो भाई बिल्कुल सही है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर है, बिल्कुल सही आंसर किया है। ये जो एरर बना है ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड बना है ना। सो दिस यहां पे हम कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ड है, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, फॉर समथिंग नहीं, फॉर का प्रयोग नहीं होता, ऑन समथिंग। ठीक है, किसी चीज पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेटेड, समवन ऑन समथिंग, किसी चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग पूरी तरीके से सही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दिया है, प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑन सही आंसर दे चुके हैं। ठीक है जी, रिप्लेस ऑफ, ऑफ नहीं आएगा, डिस्पेक्ट के साथ ऑफ नहीं आता। परफेक्ट 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 परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया है। हाँ जी वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस में हमने यूज किया डिस्पाइट का, और ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, इस पर कल भी क्वेश्चन आया था, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता, इनस्पाइट के साथ में होता है साहब। ठीक है, इनस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग जो वो सही है, यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया जी, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या होता है, बावजूद इस बात के, है ना। ठीक है, बावजूद इस बात के का सेंस देते हैं जी, रिमूव ऑफ, बिल्कुल सही आंसर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप लोगों के, देखें आंसर करना शुरू करें। हाँ जी हाँ जी, अगला क्वेश्चन ही सेज दैट, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू करेंगे। ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड दैट ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल एज हिज ओन। मैं आंसर देख रहा हूं आप लोगों के, इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। हाँ जी, ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड दैट ही हैज, बिल्कुल जी आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, इजी क्वेश्चन है। he has nothing, he has का प्रयोग ही तो किया गया है, he has में कहां समस्या है, he has nothing तो सही है भाई, he has nothing में क्या समस्या है, has, अरे भाई यहां पे has का प्रयोग नहीं है क्या सेंटेंस में, he had कर दिया क्या। चलो भाई मेरी बात सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं यहां पे इस has, इस had की जगह has कर लो, इधर देखो ये had है ना, इस had की जगह has कर लो, अब ये लो ये हैज करो इसको। ठीक है, अब बताओ एरर, मैं बोल रहा हूं अभी भी एरर है, मैं बोल रहा हूं अभी भी एरर है। ठीक है, हैज नथिंग कर लिया फिर भी एरर है। ठीक है, पास्ट कैसे जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला हैज, हैज का प्रयोग कर दो, हैज का प्रयोग कर दो, फिर बताओ सेंटेंस में क्या गड़बड़ है, मैंने बोला हैज कर लो भाई, हैड की जगह हैज आ गया, ये सही है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक मान लो भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक मान लो, प्रिंटिंग एरर मान लो। ठीक है, अब हैड की जगह हैज कर दिया, अब बताओ एरर, अब बताओ, अब इसके बाद में बताओ भाई, मैं समझ गया हैड की जगह हैज आएगा, समझ गया, आगे बताओ, आगे की बात बताओ, इंपॉर्टेंट बात, आगे वाली बात बताओ, तब मजे वाली बात है। हुँ।
सी में है, सैड दैट एज रिमूव करो, अलग अलग बच्चे अलग आंसर करते। देखो मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, है ना। देखो बच्चों इस सेंटेंस में जो एरर है ना, मैंने बात करो ये तो हैड की जगह हैज, ये तो टाइपिंग मिस्टेक है ना। असली एरर जो है वो ये है कि यहाँ पे दो कंजंक्शन का एक साथ प्रयोग कर दिया गया, वो है एंड का भी और दैट का भी। दैट ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन है और इसको वापस से हम रिपीट नहीं करेंगे, एंड दैट नहीं करेंगे, एंड ही हैज नथिंग, एंड ही हैज नथिंग ये करेंगे, केवल एंड का प्रयोग करेंगे। ये जो दैट लगाया गया ये सेंटेंस को गलत है। वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर यहां पे असली में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हैज का प्रयोग हो जाता सेंटेंस के अंदर, हैज का प्रयोग होता तो तुम क्या एरर बता पाते क्या? तब बताना, तब बड़ी बात है। मैं जब उसके मैं बोल रहा हूं कि हैज लिख दो हैड की जगह, उसके बाद एरर बताओ, तब मजे वाली बात थी भाई। मजे वाली बात ये है कि यहां पे एंड और दैट दो कंजंक्शन एक साथ में नहीं आएंगे, केवल एंड का प्रयोग करो, ठीक है। ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड एंड ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल एज हिज ओन। समझ आई बात? हाँ, एंड दैट है ना, ये गड़बड़ा। देखो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना शुरू करो भाई, ये बड़े बड़े सेंटेंस अपने साथ में छोटे छोटे एरर्स को साथ में लेके आते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, हाँ ठीक है, हाँ जी सर, ये ब्लॉक मारो, एक दो बच्चे गलत बोल रहे हैं, गाली वाली निकाल रहा है। आपके नाम को खराब कर रहा है यार ये तो, इसका नाम विशाल है, बताओ गालियां वालियां दे रहा है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर पे भी ऐसे देता होगा, पापा मम्मी के सामने भी ऐसी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करता होगा। डिलीट नहीं करना है सर इसको, इसको ब्लॉक करी करना है, इसको मैसेज नहीं आने चाहिए। ब्लॉक भी कर दिया हम दोनों कर दिया हाँ चलो बढ़िया। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ सर, अगला क्वेश्चन लगाओ। हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ेंगे ठीक। हाँ जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर करना शुरू करेंगे जी। नहीं नहीं राणा को नहीं करना, विशाल कुमार को करना है ठीक है। हाँ ये अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन। राइडर्स प्रोज विच इज मेंट टू बी पॉपुलर लूजेस नथिंग ऑफ इट्स वैल्यू बाय बीइंग कंपेयर्ड विद हिज कंटेम्प्रेरीज। ओ हे भैया बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो तो मजा आ जाए, शानदार क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन चेंज कर दिया आपने? हाँ सर, नहीं हुआ है क्या आपने? इसे इस डार्ट वाला है ना? नहीं सर ये तो पहले लग रहा था, ये है ना डार्ट ड्यू। हाँ ब्लॉक करने में भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आया नहीं स्क्रीन पे, कोई बात बेटा। अभी तो कैसे अरेंज हो पाएगी, अभी तो टाइम ही बहुत कम रह गया, बट इस बार तो करो तुम, अगली बार करवाते हैं मैथ्स की भी अरेंज करवाते हैं। अब स्क्रीन पे आ गया होगा भाई, आंसर करना शुरू करो। इस क्वेश्चन का आंसर करो तो जाने, हाँ
ड्राइडर इट्स भाई हिज जो है वो ड्राइडस के लिए आ रहा है, ड्राइडस इंसान है, हिज एकदम सही है, हिज के साथ में कोई समस्या नहीं है। अरे इट्स नहीं आएगा, हिज आएगा, हिज एकदम सही है, हिज एकदम सही है, ड्राइडस इंसान का नाम है। उसके जितने भी कंटेम्प्रेरीज थे, अरे नहीं आएगा यार इट, चलो नहीं है तुम्हारे में से एक भी सही आंसर नहीं दे पा रहा है। चलो नो एरर कंपेयर टू कंपेयरिंग, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ चलो आ जाओ, इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है देखो बच्चों सेंटेंस क्या है साहब, है ना, इधर देखना शुरू करो। ड्राइडस प्रोज, ठीक है भैया, ड्राइडस के प्रोज का, ड्राइडस एक इंसान है, ठीक है, ड्राइडस के प्रोज का उसके दूसरे जो कंटेम्प्रेरीज कौन होते हैं, दूसरे लोग उसके साथ वाले जो भी और लोग प्रोज लिखते हैं साहब, है ना। सो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, सेंटेंस को ध्यान में रखा, ध्यान रखो, बाय बीइंग कंपेयर्ड एकदम सही है। ठीक है देखो बच्चों, ड्राइडस के प्रोज का वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, बीइंग कंपेयर्ड ठीक है, बीइंग कंपेयर्ड विद आपके एक प्रपोजिशन आया साहब, विद आपके एक प्रपोजिशन आया ठीक है। सो ड्राइडस के प्रोज का कंपैरिजन हो रहा है साहब, ठीक है, ये कंपेयर्ड जो वर्ब है ना ये अपने आप में कंपैरिजन करती है साहब, ये कंपेयर्ड जो वर्ब है ना अपने आप में कंपैरिजन करती है। सो ड्राइडस के प्रोज का कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है, उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं, हिज कंटेम्प्रेरीज, उसके कंटेम्प्रेरीज के प्रोज के साथ में हो रहा है। लेकिन उसने बेसिकली कंपैरिजन गलत कर दिया भाई, ड्राइडस के प्रोज का कंपैरिजन उसके कंटेम्प्रेरीज, कंटेम्प्रेरी मतलब उसके समकालीन प्रोज लिखने वाले लोगों के साथ में कर दिया, समझ आई बात, जबकि प्रोज का कंपैरिजन किसके साथ में होना चाहिए, प्रोज के साथ में, समझ आई बात। प्रोज का कंपैरिजन किस, प्रोज एक तरीके से नॉवल होता है, जो कि नॉवल लिखता है ना, नॉवल राइटिंग जो है हम प्रोज बोलते हैं साहब, समझ आई बात। सो प्रोज नॉवल्स का कंपैरिजन नॉवल्स के साथ में, प्रोज का कंपैरिजन प्रोज के साथ में, या प्रोज की जगह तुम नॉवल्स ले लो साहब, नॉवल्स लिख लो, ठीक है, और समझने की कोशिश करो। ड्राइडस के नॉवल का कंपैरिजन, ड्राइडस के नॉवल्स का कंपैरिजन उसके कंटेम्प्रेरीज के नॉवल्स के साथ में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसके साथ में कर दिया, हिज कंटेम्प्रेरीज कर दिया। तो सही कैसे करोगे अब, इसको सही कैसे करोगे, ड्राइडस प्रोज बीइंग कंपेयर्ड विद हिज कंटेम्प्रेरीज, या तो यहां पे अपोस्ट्रॉफी लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये एस पे एंड कर रहा है तो अपोस्ट्रॉफी लगा दो, हिज कंटेम्प्रेरीज प्रोज, तो यहां पे ये प्रोज जो है वो आपके क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, समझ आई बात, ये हिडन रह जाएगा, केवल एक अपोस्ट्रॉफी लगा दो, एक तरीका तो ये हो गया इसको सही करने का, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली है ना दैट ऑफ से भी सही कर सकते हैं, ड्राइडस प्रोज बीइंग कंपेयर्ड विद दैट ऑफ, या फिर आगे दैट ऑफ लगा दो। सो या तो आप दैट ऑफ लगा दोगे तब भी सेंटेंस सही है, या फिर आप यहां पे क्या लगा सकते हो, अपोस्ट्रॉफी लगा दो साहब, अपोस्ट्रॉफी लगा दो तब भी सही है। दो तरीके से इसको सही कर सकते हैं, ये पहला तरीका है सही करने का और ये दूसरा तरीका है सही करने का, ना दैट ऑफ से सही कर दो और अपोस्ट्रॉफी से सही कर दो, ठीक है, से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बात समझ आई। बेहतरीन क्वेश्चन था, एक नंबर क्वेश्चन था ना, अरे शानदार क्वेश्चन था ना, मजेदार क्वेश्चन था ना, हाँ जी आगे बढ़ते हैं जी, है ना। देखो बच्चों सीडीएस के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, सीडीएस के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मुंह में चने चबा दे क्या बोल रहा हूं मैं ना, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, जिन बच्चों के थोड़े से बेसिक्स क्लियर है ना उनको तो समझ आएगा, अक्षय थोड़ा सा दिक्कत आएगी, जिनको जो नए है ना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, इसमें समझने की कोशिश करेंगे, दांतों तले लोहे के चबे ने समझ आई बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सब, ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, लोहे के चने चबाना, हाँ जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म,
चलो जी देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी ना। चलो ठीक है। हाँ अरे भाई वो लूज वाला बच्चा, लूज एकदम सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, है ना। खोने के सेंस में लूज का प्रयोग किया है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लूज एकदम सही है भाई। तो डबल ओ एल डबल ओ एस सी कर रहा है ना, वो ढीला छोड़ना होता है उसका मतलब, उस लूज का मतलब होता है ढीला छोड़ना, पजामे का पजामे को ढीला छोड़ दो, नाड़ा ढीला कर दो, उसके सेंस में यूज करते हैं ना, वो सही है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, आंसर करना शुरू करेंगे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर करना शुरू करेंगे जी। क्या क्वेश्चन देखते हैं सब, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, इन द अर्ली ईयर ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिटेड डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ कंपनीज हु लिव्ड विद द डांस सेंटर। हाँ ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, हैड का प्रयोग करेंगे भाई। इन द अर्ली ईयर ऑफ रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम, जो जो अर्ली ईयर थे रेनेसा के भरतनाट्यम के, उसमें जो हडीडी डांसर जो थे उनके अपने ही तरीके थे, ठीक है। सो हैड का प्रयोग करेंगे, हैव की जगह हैड करेंगे प्रयोग करेंगे, ठीक है ठीक है। हाँ जी हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हैव की जगह हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट में पूरा सेंटेंस पास्ट को डिनोट कर रहा है, और पास्ट को डिनोट करने की वजह से हमें हैव का प्रयोग नहीं करना है, हैड का प्रयोग करना है। हैड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पायजामा प्लूरल होता है, पायजामा प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब आएगी उसके साथ, लूज आएगी, ठीक है। जी बिल्कुल सही आंसर किया है, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। एट दिस टर्न ऑफ, ही वाज नॉट इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लगा, आ चुका है स्क्रीन पे। एट दिस टर्न ऑफ कन्वर्सेशन विक्रम ब्लर्टेड आउट दैट ही वाज नॉट नोइंग मी व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन द सेम टाउन एज ही। हाँ जी सही है, नोइंग नहीं आएगा, ही डिड नॉट नो मी, है ना ठीक है। ही डिड नॉट नो मी करेंगे, नो को हम आई एन जी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये जो वर्ब होती है आपके नो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी की फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। सो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ही डिड नॉट नो करना पड़ेगा, ही डिड नॉट नो करेंगे तब सेंटेंस, तब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। ही डिड नॉट नो करेंगे, है ना। सो ही डिड नॉट नो करेंगे, ठीक है। ही डिड नॉट, ओ हो लक्ष्य शर्मा, ही डिड नॉट नोइंग, इतना गजब के आंसर मत दो दोस्त। ही डिड नॉट नोइंग, अगर तुम ही डिड नॉट नोइंग लिखोगे मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा, है ना। नहीं प्लीज, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो मी व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दी, हाँ हैड नॉट नोन बता रहे बच्चा, हैड नॉट नोन भी नहीं होगा, डिड नॉट नो मी आएगा, ठीक है। चलो जी सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आने वाला है। वी हैव स्टडीड द टू स्पेसिमेंस केयरफुली, X differs to Y in only one respect. Next question is on the screen. चलो जी, चंद्रा रॉय शाबाश, वेरी बहुत बढ़िया बेटा। डिफर्स टू को फ्रॉम में बदल दो सर, टू को फ्रॉम में बदल दो। हम्म
हाँ जी बिल्कुल सही सही आंसर किया, ऑल वेरी गुड. डिफर्स फ्रॉम होता है, फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा, सेंटेंस सही होगा. डिफर फ्रॉम, ठीक है, डिफर फ्रॉम करेंगे तो सेंटेंस आपका सही होगा. ठीक है, डिफर अपने बाद में फ्रॉम प्रेपोजिशन को लेता है, इस फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग ही हमने करना पड़ेगा तभी सेंटेंस सही होगा. ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, है ना. चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना. चलो भाई बच्चों, आज का जो सेशन है ना इतना ही लेंगे इसको, इस सेशन को इतना ही लेंगे. आई होप बहुत ही खतरनाक खतरनाक से क्वेश्चन आए थे. आई होप आप लोगों ने इस सेशन को, इन सारे क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा. मेरी बात सुनो भाई, पहले तो इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर करने का काम करो, सब शेयर करो इस वीडियो को. शेयर कैसे करते हैं सर? हाँ, फिर ये कहाँ पे शेयर हो जाता है? व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप. हाँ, शेयर करो भाई, शेयर करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब जगह शेयर करो इसको. फेसबुक ग्रुप पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो, सारे के सारे शेयर करो. श्वेता शालिनी, टू मच और टू मच, मस्ट एंड टू मच. हाँ जी, शेयर करो सारे के सारे, शेयर करना पड़ेगा. हाँ जी, थैंक यू सर, जय हिंद. नहीं, पहले शेयर करो. हाँ सर, कर दिया शेयर, ये बताओ शेयर कर दिया? हाँ जी, शेयर कर दिया. जो बच्चे नए हैं, हाँ देखो कोई भी चीज़ सीखी हुई ख़राब नहीं जाती, एसएससी के लिए भी वैल्यूएबल है. अगर आप देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो सेशन को, आपको मज़ा आ रहा है, सो यू कैन गो फॉर इट. ठीक है, शाबाश बेटा, तेरे को बहुत बहुत बधाई हो. जोमेटो वाले तेरे को फ्री में खाना खिलाएंगे, फ्री में खाना खिलाएंगे जोमेटो वाले. तुमने जोमेटो पे शेयर कर दिया? सर मैंने जोमेटो पे शेयर कर दिया. हाँ चलो, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई लिखाई करते हो नहीं करते हो? अरे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, या फिर टाइम पास ही करते हो? हाँ चलो, पढ़ते हो ना? हाँ जी, गुड गुड गुड, करवा देंगे करवा देंगे. चलो बहुत बढ़िया, रात भर स्टडी कर रहा हूँ पर फिर भी आते ही नर्वस गलत होने लगता. कोई बात नहीं बेटा, ना कोई बात नहीं, है ना, इट इज गोइंग टू बी ओके. यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड. धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर दोगे. ठीक है, हाँ क्लोजेस करवा देंगे बेटा. ठीक है चलो, नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते तो गलत बात है ना. बहुत बढ़िया, स्विगी पे शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया. चलो जी, जाता हूँ मैं, बाय बाय. ध्यान रखो अपना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को. कल मिलते हैं इसी टाइम पे, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.